लोह पुरुष एवं भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के अवसर पर सरदार पटेल युवा संगठन के नेतृत्व में जिला देवास के नगर हाट पिपलिया में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूरे जिले से बड़ी संख्या में युवा संगठन और वरिष्ठ जन एकत्रित हुए, जिस पश्चात विशाल बाइक रैली निकाली गई। उक्त कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नंद किशोर पाटीदार, पूर्व बीज निगम अध्यक्ष शांतिलाल जिगामी, गोर्धन लाल पाटीदार, किसान संघ जिला अध्यक्ष काशीराम पाटीदार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके पश्चात पूरे नगर में बाइक रैली निकाली गई। युवा भारत माता की जय, सरदार पटेल की जय के नारों के साथ हाथ में तिरंगा ध्वज लिए निकले बाइक रैली का पूरा हाट पिपलिया नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। बाइक रैली हाट पिपलिया नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः पाटीदार छात्रावास प्रांगण पहुंची, जहां पर कार्यक्रम का समापन हुआ। बागले से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। पूरे जिला स्तरीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती हमने नगर हाट पिपलिया में स्थान पाटीदार समाज छात्रावास में मनाई। यहाँ पर स्मारक जो के रूप में प्रतिमा हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है, इसमें हमने सब सर्वप्रथम माल्यार्पण किया। उसके बाद हमारे यहाँ अतिथि के रूप में श्री शांतिलाल जी गामी, पूर्व बीज निगम अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से नंदकिशोर जी पाटीदार पधारे थे। उसके बाद हमने पूरे नगर हाट पिपलिया में भव्य बाइक रैली निकाली और पूरे समाज और पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एक करा, उसी तरह हमें भी पूरे राष्ट्र को एक साथ लेके चलना है, पूरे समाज को एक साथ लेके चलना है और संगठन को मजबूत बना के चलना है। इसी के साथ हमने ये 144वीं जयंती मनाई और 144वीं जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। 144वीं जयंती के 170 आप सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम है जो बचपन से ही गुजरात के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और बाल्यकाल में जब विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते थे उनका एक एक निर्णय, एक एक शब्द, एक एक बात अपने आप में इतनी वजनदार थी कि उनको पढ़ाने वाले शिक्षक कहते थे कि वहां महापुरुष जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। इस प्रकार का व्यवहार बाल्यकाल से उनका रहा और वांछित रूप से देखा जाए तो वही अध्यापक थी, वही वाणी फलीभूत हुई। जब आगे उन्होंने पढ़ाई की, बैरिस्टरी करी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक संकल्प लेकर लड़ाई चालू करी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने कार्य किया। स्वतंत्र भारत जब हुआ 1947 में, पहली सरकार में पहली बार वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के हकदार थे और प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य था कि पहली बार वो प्रधानमंत्री नहीं बने। वो पहले उप प्रधानमंत्री बने, देश के गृह मंत्री बने और गृह मंत्री बनने के बाद देश के 562 रियासतों में जो पूरा देश बटा था उन सारी रियासत को एक करके भारत में मूल संविधान में मिलाने का एक ऐतिहासिक निर्णय किया और मैं तो आज वास्तविक रूप से अपने आप को पूरे देश की जनता को और पाटीदार समाज को गौरवान्वित समझता हूँ कि जो संकल्प उन्होंने उस टाइम 1947 में लिया था, आज कश्मीर की धारा 370 की जो जड़ है वो समाप्त करना चाहते थे, आज कहीं जाकर उसी गुजरात के एक सपूत में हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।